नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम एमएलसी दिनेश प्रताप सिंह रायबरेली के बारे में बताने जा रहे हैं। दिनेश प्रताप सिंह का जन्म 3 अक्टूबर 1967 को रायबरेली में हुआ। दिनेश सिंह रायबरेली की राजनीति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। दिनेश प्रताप सिंह ने अपना राजनीतिक सफर समाजवादी पार्टी से शुरू किया था और एमएलसी का चुनाव लड़े, लेकिन जीत नहीं सके। इसके बाद उन्होंने बसपा से 2007 में हाथी की सवारी की और तिलई विधानसभा सीट पर चुनाव लड़े, लेकिन किस्मत ने उनका यहाँ भी साथ नहीं दिया। इसके बाद उन्होंने दोबारा कांग्रेस का दामन थाम लिया। दिनेश प्रताप सिंह को कांग्रेस में शामिल होते ही किस्मत खुल गई और 2010 में उन्होंने पहली बार विधान परिषद का चुनाव लड़ा और चुनाव जीता। इसके बाद जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट पर उनके भाई की पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में चुनाव जीती। इसके बाद 2016 में दोबारा उनके परिवार के सदस्य ने जीता और 2017 में उनके भाई विधायक बने। रायबरेली की राजनीति में दिनेश सिंह का बड़ा नाम है। आम जनता उन्हें एक अच्छा कूटनीतिक भी मानने लगी। दिनेश सिंह 2016 में कांग्रेस से एमएलसी का चुनाव जीतने वाले अकेले सदस्य थे। मौजूदा समय में रायबरेली की जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर उनके भाई अवधेश सिंह हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट पर उनका परिवार दूसरी बार कब्जा किया हुआ है। दिनेश सिंह और उनके भाई अवधेश प्रताप सिंह वर्तमान में भाजपा में हैं। वर्ष 2019 की लोकसभा चुनाव में दिनेश प्रताप सिंह ने कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा और उन्हें हार का सामना करना पड़ा। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।